हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज, जहां पे आपको जॉब, पीएचडी, स्कॉलरशिप, यूजीसी नेट एंड अदर काइंड ऑफ एजुकेशनल अपडेट्स मिलती है। और इसी चैनल पर हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी करते हैं। और यहां पर होता है एक महत्वपूर्ण सवाल जवाब सेशन, जिसमें मैंने आपके सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए हैं। आप भी हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं जो कि शिक्षा एवं करियर से संबंधित होने चाहिए। इसी क्रम में अपनी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की, जिसमें हम आपको सारे इम्पोर्टेंट डिटेल और सभी कुछ आपको बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, आपको क्या करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। और जो है कि और भी अधिक, अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो और भी अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट एवं जॉब पर विजिट कीजिएगा। और पीएचडी की अलग प्लेलिस्ट है, उसकी वैकेंसी देखने के लिए आप पीएचडी प्लेलिस्ट पर विजिट करें। साथ ही साथ में अगर आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस चैनल के साथ, तो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर प्लेलिस्ट पर विजिट करें। स्कॉलरशिप की अलग प्लेलिस्ट है और डिफरेंट काइंड ऑफ एग्ज़ाम के जो सिलेबस होते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, उसकी अलग से प्लेलिस्ट है सिलेबस नाम से। बता इसलिए रही हूँ क्योंकि आप लोग जो है कि कमेंट सेक्शन में अलग अलग वीडियोस के लिंक मांगते हैं, कहते हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप जो संबंधित प्लेलिस्ट है उस पर विजिट करें। टोटली ये चैनल जो है हायर एजुकेशन को समर्पित है, तो और भी प्लेलिस्ट है, हो सकता है आपको वहाँ से कुछ हेल्प मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस किस विषय में वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीएससी में है असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, और यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लाउड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब टेक्नोलॉजी, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, मल्टी कोर आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, डाटा कम्युनिकेशन, स्मार्ट शेयर, और यहाँ पर आप जो है कि देख सकते हैं मिराकास्ट, क्रोमोकास्ट, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद अगर हम मैथ की बात करते हैं तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी है स्टैटिक और प्योर मैथमेटिक्स में। उसके बाद ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में है। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी है बिजनेस एनालिटिक्स में, सॉरी थोड़ा छोटा है, मैं जूम कर देती हूँ, बिजनेस एनालिटिक्स में है, आईटी, ऑपरेशन मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, एचआरएम, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर बिजनेस, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि फीस, यहाँ पर देखिए नोट लिखा है इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट JIIT सेक्टर 62 नोएडा, तो आपका जो ये है ये नोएडा में होगा। ये वैकेंसी जो है आपकी आई हुई है JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोट है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 15 जनवरी 2021, यानी 15 जनवरी 2021 तक आप कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सेव योर एप्लीकेशन, अपना एप्लीकेशन सेव करना बिल्कुल भी ना भूले। वंस यू प्रेस द सेव बटन यू शैल गेट ऑन ऑटो जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑटो जनरेशन नंबर मिल जाएगा, नंबर विच शुड बी सेव्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, जिसे कि आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए भविष्य के संदर्भ में सुरक्षित रखेंगे, ठीक है। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप सेव करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ रिज्यूम, दीज विल नॉट बी कंसिडर। तो ये जो है कि आपको हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है, प्लीज़ डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ रिज्यूम, आपको अपने रिज्यूम की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे लिखा है दिस विल नॉट बी कंसीडर, इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आपको केवल सेव करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे। मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जो वैकेंसी है, वैकेंसी में वेरी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू रिक्रूटमेंट, ठीक है। गाइडलाइन फॉर एप्लीकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, बी फ्री, अटैच CV इन PDF फॉर्मेट ओनली, अपना जो CV है उसको सिर्फ और सिर्फ PDF फॉर्मेट में जो है कि अटैच करेंगे। इट शुड नॉट बी मोर देन 2 MB, ये 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अटैच फोटो ऑन द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द CV, आप दाहिने तरफ जो है कि अपना फ़ोटो जो है उसे अटैच करेंगे। यू कैन ऑप्ट फॉर वन डिपार्टमेंट ओनली, आप केवल एक ही डिपार्टमेंट चुन सकते हैं। मेक अ चॉइस एज पर योर कोर, ठीक है, आपका जो कोर
क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से ही आप अपना डिपार्टमेंट जो है वो चुनेंगे। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म एंड इन्वाइटेड फॉर द इंटरव्यू थ्रू ईमेल ओनली। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो जो है इन्वाइट किए जाएंगे आपको ईमेल के द्वारा, आपको इसका पता चले जाएगा। डू नॉट सेंड रिमाइंडर्स, ठीक है, कोई भी रिमाइंडर्स नहीं होगा। तो ज़्यादा विस्तृत जानकारी के लिए आप इस PDF को जो है कि डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं JIIT ERP@JIIT.ac.in। बहुत ही छोटा छोटा है ये, आप इसे जूम करके ऐसे यूँ करके बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे आई हैव रीड ऑल द कंडीशन एबोव शैल अबाइड बाई देम, इसे चेक पे क्लिक करेंगे और क्लिक टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे प्लीज़ सेलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको किसके लिए जो है फॉर्म भरना है। यहाँ पे आप आएंगे, फैकल्टी पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से क्लिक कर देंगे आप। ये देखिए आपके पास एप्लीकेशन खुल के आ गया है। मैं इसे जूम कर देती हूँ ताकि आप देख सकें। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, डिपार्टमेंट अप्लाइड फॉर, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल है, एड्रेस है, सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, पिन है, ईमेल है, ऑफिस नंबर है, रेजिडेंस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल है, ठीक है, लेटेस्ट फर्स्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर 1 by 1 सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, सारा दिया हुआ है क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, उसी हिसाब से आप कीजिएगा। यहाँ पे सारा कुछ डिटेल है, आप देख सकते हैं, आप यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे है, देखिए आपके अगर कुछ भी है एक्सपीरियंस है तो ये उसके लिए है। उसके बाद अगर आपका कोई पब्लिकेशन है तो देखिए यहाँ पे पब्लिकेशन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, बुक्स है, बुक चैप्टर है, और ठीक है यहाँ पे सारे डिटेल्स है, आर्टिकल्स है, टेक्निकल रिपोर्ट्स है, मोनोग्राफ्स है, सभी चीज़ों के लिए है। साथ ही साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसर्च गाइडेंस के लिए है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है प्लीज़ अटैच योर CV, इट इज़ मैंडेटरी। तो यहाँ पे CV जो है उसे अटैच करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, अनिवार्य है, ठीक है। चेक द एप्लीकेशन डिटेल थ्रूली बिफोर प्रेसिंग द सेव बटन, आफ्टर विच यू शैल नॉट बी एबल टू एडिट द सेम और अलाउड टू अप्लाई सेकेंड टाइम। तो बहुत ही ध्यान से फॉर्म फिल कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सेकेंड टाइम इसमें एडिट करने को ऑप्शन नहीं है। तो एक ही बार में बहुत अच्छे से एकदम ध्यानपूर्वक पूरे एप्लीकेशंस को एक दो बार अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा। उसके बाद जब आप चेक क्रॉस चेक कर लीजिएगा तभी सेव बटन पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड टाइम जो है एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और बाकी चीज़ें यहाँ पे मैंने दे ही दी है। यहाँ पे आई कंफर्म द डिटेल फिल इन द एप्लीकेशन एबो एज करेक्ट, और यहाँ से आप सेव कर लेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपको नहीं भरना है तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।